हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग ट्रेलर रिव्यू करेंगे शाहरुख खान, विजय सेतुपति, नयनतारा और एटली कुमार की आपकी मूवी जवान का। एंड अगर इस ट्रेलर को हम वन वर्ड में डिस्क्राइब करें तो वो है अनबिलीवेबल। लिटली जो गूज पम्प्स आपको ट्रेलर देखने के बाद मिलते हैं वो अनडिस्क्राइबेबल हैं। इस वक्त 4 to 5 स्टोरीज एटलीस्ट हमें ट्रेलर में देखने को मिल गई हैं। एक स्टोरी उसके फादर की, कि फादर किस तरह स्ट्रगल करेंगे अच्छाई के लिए लेकिन फिर कमज़ोर पड़ जाएंगे और बाद में वो अपने बेटे के साथ दोबारा वापस आएंगे अच्छाई साबित करने के लिए। सेकंड स्टोरी जो शाहरुख खान बेटे का भूमिका निभा रहे हैं उनकी स्टोरी चलेगी, कि किस तरह वो आर्मी ऑफिसर हैं, किस तरह वो डिफरेंट मिशंस पे जा रहे हैं और देश की खातिर कुर्बानी देने से भी नहीं घबरा रहे। थर्ड स्टोरी आपको मूवी के मेन विलन विजय सेतुपति की देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत बड़ा वेपन्स और ड्रग्स डीलर साबित होगा। फोर्थ स्टोरी आपको सुनील ग्रोवर और नयनतारा की दिखाई जाएगी, जो कि पुलिस में मोस्ट प्रॉबेबली होंगे और उनका मिशन होगा शाहरुख खान को रोकना और ये ड्रग्स डील और आम वेपन्स वगैरह की डील से रोकना। एंड आपको एक बात की दाद देनी पड़ेगी, जो पूरे ट्रेलर के दौरान पीछे BGM चल रहा है वो माइंड ब्लोइंग है। लिटली बिल्कुल गूस पम्प्स आते हैं वो BGM सुन के। डायलॉग्स की बात की जाए, डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं दोनों मूवी के ट्रेलर्स के। थोड़ा सा बीच में कॉमेडी भी डाली हुई है, जब वो कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, वो कहता है चाहिए तो आलिया भट्ट, और बाद में शाहरुख खान नयनतारा कहते हैं को गाने सुना दो। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ एक्साइटमेंट वाला ट्रेलर है। ये सिर्फ ट्रेलर में नहीं बल्कि पूरी मूवी में आपको शाहरुख खान वन मैन शो की तरह दिखाई देंगे, क्योंकि आप सबको पता है उनके दो कैरेक्टर्स हैं मूवी में, बाप का, बेटे का, और 5 लुक्स हैं। तो शाहरुख खान ही शाहरुख खान पूरी मूवी में होने वाला है। मैं पर्सनली दीपिका पादुकोण के कैमियो के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उनका कैमियो छोटा सा होगा लेकिन आई थिंक फिल्म के किसी बड़े अहम पॉइंट पे जाकर उनका कैमियो आने वाला है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल एक ट्रेलर का जो काम होता है कि मूवी का बज़ और एक्साइटमेंट सातवें आसमान तक ले जाए, आई थिंक ये ट्रेलर उससे ज़्यादा ही काम करेगा। और आप देखेंगे कल से जैसे ही एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी तो एकदम बॉक्स ऑफिस और सोशल मीडिया ब्लास्ट करने जा रहा है। तो ओवरऑल एक ग्रेट ट्रेलर दिया शाहरुख खान ने, जो कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी की हवा चलाने में काम आता है। होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।